नमस्कार, मैं हितेश गोस्वामी हार्दिक स्वागत करता हूं आपका एजुकेशन इंडिया में। और इस स्पेशल रिपोर्ट में बात करने वाले हैं मानसून 2020 के बारे में और आपको बताने वाले हैं कि आपके राज्य में मानसून कब पहुंचने वाला है और इस बार कैसा रहने वाला है मानसून। तो अगर आप आगे भी ऐसी मौसम और मानसून से जुड़ी बड़ी खबरें पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आपको आगे भी ऐसे वीडियोस देखने को मिल सके। और साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दे ताकि ऐसे वीडियोस हम आगे भी आपके लिए लाते रहे। तो हर राज्य की मानसून अपडेट को जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि मानसून उत्तर भारत में अगले 2 से 3 दिनों में दस्तक देगा और इस कारण भारत के उत्तरी राज्य जैसे कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। और आपको बता दें प्री मानसून की बारिश भी अभी जारी है और ये हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इन्हीं राज्य में ये प्री मानसून चल सकता है और इससे बारिश भी हो सकती है। वहीं आपको बता दें इस बार मानसून तय समय से पहले उत्तर भारत में दस्तक देगा। आइए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश में मौसम ने करवट ली है और यहाँ के कई जिलों में प्री मानसून गतिविधियां देखी जा रही है। कुछ जिलों में बारिश की फुहारें पड़ रही है तो कुछ जिलों में मौसम अचानक ही मिजाज बदलकर सुहावना हो गया है। मौसम विभाग ने सुबह ही प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम में होने वाले बदलाव का आकलन किया था। वहीं पूर्वानुमान की बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक कई जिलों में बारिश के आसार है, जिनमें बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, कनौज, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, हरदोई, इटावा, औरैया, प्रतापगढ़ और फतेहपुर, हमीरपुर, प्रयागराज और सीतापुर शामिल है। इन सभी जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है मौसम विभाग के द्वारा। अब उत्तर प्रदेश के बाद रुख करते हैं राजस्थान का। तो राजस्थान में आपको बताते चले कि मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सामान्य तिथि 24 जून से पहले राजस्थान में मानसून दस्तक दे सकता है। वहीं यह भी जानकारी मिली है कि बंगाल की खाड़ी में लगातार कम दबाव वाले क्षेत्र बनने से मानसून अनुकूल परिस्थितियों के साथ आगे बढ़ रहा है। वहीं राजस्थान में मानसून के दस्तक से पहले कुछ इलाकों में प्री मानसून की बारिश हुई है और इससे लोगों को काफी राहत हुई है। इन जिलों की सूची में राजधानी जयपुर के अलावा टोंक, कोटा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, वहीं जोधपुर, बीकानेर भी शामिल है। वहीं बात करी जाए कुछ और राज्यों की तो यहाँ पर अभी फिलहाल लू और गर्मी से लोग बेहाल है। वहीं राजस्थान में इस बार मानसून 19 या 20 जून को दस्तक दे सकता है। वहीं अब अगर बात की जाए बिहार की तो आपको बताते चले कि बिहार में मानसून की एंट्री हो चुकी है। इसी के साथ बिहार में मौसम का मिजाज बदल चुका है। यहाँ दोपहर के वक्त गर्मी नहीं बल्कि सुकून का एहसास हो रहा है। यहाँ धूप के बजाय आसमान में काले बादल दिन भर छाए रहते हैं। इसी के साथ बिहार के कई शहरों में बारिश देखने को मिली है। मौसम विभाग के अनुसार पूरे बिहार को साउथ वेस्ट मानसून ने कवर कर लिया है। जी हाँ, साउथ वेस्ट मानसून यानी कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून पूरी तरीके से बिहार के ऊपर छाया हुआ है और इसने बिहार को पूरी तरीके से कवर कर लिया है। वहीं अगले कुछ दिनों गया जिले व अन्य कई शहरी इलाकों में रुक रुक कर बारिश देखने को मिलेगी। मौसम विभाग की माने तो 18 जून को मूसलाधार बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है और ये 18 जून को जो बारिश होने वाली है ये किसी जिले विशेष में नहीं बल्कि पूरे बिहार में होने वाली है। जैसा कि हमने आपको बताया है कि साउथ जो वेस्ट मानसून देखने को मिल रहा है ये पूरे बिहार को अब कवर कर चुका है। इसलिए जो भी मानसून की गतिविधियां होगी, जो भी मौसम की गतिविधियां होगी, मौसम में बदलाव होंगे, ये एक जिले नहीं बल्कि पूरे बिहार के ऊपर देखने को मिलेंगे। वहीं 18 जून से पहले भी अच्छी बारिश होने की संभावनाएं बिहार में बन रही है। और अब रुख करते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का। तो दिल्ली की बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक तापमान 41 और 40 डिग्री ही बना रहेगा। 19 जून से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर होगा जिसके प्रभाव से आंधी और बारिश की संभावना है। बारिश हल्की रहेगी इसकी वजह से तापमान 40 डिग्री के नीचे आ सकता है। तो आपको बता दें मानसून राजस्थान, उत्तर प्रदेश में आने के बाद ही दिल्ली में पहुंच पाएगा। यानी कि जब राजस्थान में आएगा तो उससे 1 या 2 दिनों के अंदर ही या फिर कुछ ही घंटों के अंदर दिल्ली में दस्तक दे सकता है मानसून। तो यही आपको बता दें भुवनेश्वर मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक HR विश्वास ने बताया कि ओडिशा के कई जिलों में अगले 3 दिनों तक हल्के से ज्यादा बारिश रहेगी
19 को एक लघु दबाव का क्षेत्र नॉर्थ बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावना है, जिसकी वजह से उत्तरी ओडिशा में बारिश ज्यादा रहेगी जबकि साउथ ओडिशा में कम रहेगी। ये हुई बात अभी ओडिशा की, यानी कि ओडिशा का मॉनसून अपडेट और मौसम अपडेट की आपको बता दिया है। और अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। तो बंगाल पूरी तरीके से मॉनसून के आगोश में आ चुका है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य भर में गुरुवार से बारिश और ज्यादा बढ़ेगी। और बढ़ेगी इसका तात्पर्य है कि अभी भी बारिश तो हो ही रही है पश्चिम बंगाल में कई कई जिलों में। अगले कुछ दिनों में उत्तर बंगाल में भारी बारिश की संभावना है। दक्षिण बंगाल के पश्चिमी जिलों में भी भारी बारिश का अनुमान है। राज्य के लगभग सभी जिलों में हल्की से तेज बारिश होती रहेगी और काले बादल छाए रहेंगे। हवा में अधिक जल वाष्प होने के कारण आर्द्रता भी बढ़ी रहेगी, जिससे उमस भरी गर्मी का एहसास हो सकता है। वहीं आज कोलकाता में गरज के साथ बारिश भी हुई है। और आइए बात कर लेते हैं कि आखिर अभी फिलहाल देश में मॉनसून की स्थिति क्या है। तो आपको बता दें, दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने रविवार तक पूरे महाराष्ट्र में दस्तक दे दिए। इसके साथ ये गुजरात और छत्तीसगढ़ के भी कुछ हिस्सों में पहुंच गया है। हालांकि मौसम विभाग ने मॉनसून के सुस्त पड़ने की खबर दी है। मौसम विभाग ने कहा है कि मॉनसून पश्चिमी और मध्य भारत के अधिकतर हिस्सों में दस्तक दे चुका है, लेकिन इस सप्ताह यानी कि अभी सोमवार से सप्ताह शुरू हो चुका है, मॉनसून की प्रगति कुछ धीमी रहने की संभावनाएं है। तो ये सारी बड़ी खबरें कुछ बड़े राज्यों की थी। इनके अलावा दक्षिण में मॉनसून दस्तक दे चुका है और उधर उत्तर पूर्व की बात करें तो मॉनसून दस्तक कब का दे चुका है। इस वीडियो में विशेष कवर किया गया है उत्तर भारत को, और उसमें भी उत्तर भारत के कुछ बड़े राज्यों को जहां पर मॉनसून आने के अभी भी इंतजार में लोग घड़ी बिता रहे हैं। इसीलिए उन सभी राज्यों को इस वीडियो में और इस रिपोर्ट में पेश किया गया है। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे भी ऐसे वीडियोस देखने को मिल सके। साथ ही वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक बार फिर से कहना चाहूंगा, लाइक और शेयर भी कर दे ताकि ये जानकारी दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।